वहीं कासगंज में 7 दिन पूर्व शहर के किला मोहल्ला इलाके में प्रेम प्रसंग के चलते प्रेमिका के घर तड़के पहुंचे प्रेमी युवक की न केवल प्रेमिका के भाइयों ने पिटाई की बल्कि पेट्रोल डालकर आग लगा दी, जिससे प्रेमी युवक विशाल गंभीर रूप से जल गया। यह वारदात 8 मार्च को तड़के हुई। वारदात के बाद पुलिस ने दोनों पक्षों की ओर से एक दूसरे के खिलाफ FIR दर्ज की। युवक विशाल का गंभीर हालत में उपचार अलीगढ़ मेडिकल कॉलेज में चल रहा था, जहां बृहस्पतिवार को उपचार के दौरान उसने दम तोड़ दिया। युवक का शव दोपहर बाद यहां लाया गया तो परिवार के लोगों और रिश्तेदारों के पास आक्रोश फैल गया और 4 लेन मार्ग पर अशोकनगर तिराहे के पास सड़क पर आकर लोग हंगामा करने लगे। इस दौरान पुलिस से नोकझोंक भी हुई। 1 घंटे तक हंगामे की स्थिति बनी रही, जिससे 4 लेन मार्ग पर यातायात प्रभावित हो गया। सूचना पर कोतवाली पुलिस और CO मौके पर पहुंच गए। युवक के पिता मुकेश का कहना है कि अपना अपराध छिपाने के लिहाज से युवक के खिलाफ FIR दर्ज कराई गई। पिता ने पुलिस से युवती और उसकी मां व अन्य भाई सुरेंद्र पर भी वारदात में शामिल रहने का आरोप लगाते हुए हत्या की धाराओं में मामला दर्ज करने की मांग की है। युवक का अंतिम संस्कार भी कड़ी सुरक्षा के बीच हुआ। हंगामे की स्थिति को देखते हुए पुलिस और प्रशासन पूरी तरह मुस्तैद रहा। नगला भूड़ पर शमशान गृह पर युवक का अंतिम संस्कार किया गया। पहले विशाल के खिलाफ स्वयं युवती की ओर से FIR दर्ज कराई गई, जिसमें युवती ने कहा कि 8 मार्च की रात करीब 2:30 बजे वह टॉयलेट करने नाली पर गई थी। तब युवक विशाल पहले से मौजूद था और पड़ोस के कमरे में खींच कर ले गया। जब उसने विरोध किया तो उसने खुद बाइक से पेट्रोल छिड़क कर आग लगा ली। यह मामला पुलिस ने युवक के खिलाफ दर्ज किया था।